सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिराइविंग थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वट इज वी वी किसे कहते हैं यशवी ग्रेट सो मैं ये सारे लिख देता हूं v u a एन टी वी इज फॉर फाइनल विलोसिटी इनिशियल वेलॉसिटी ए इज फॉर एक्सेलरेशन एंटी इज फॉर टाइम कुटाउट यहां तक ठीक है अभी हमें ऑलरेडी एक फॉर्मूला पता है कौन सा फॉर्मूला पता है हमें कि भाई ए इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन टी यही हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलॉसिटी पर यूनिट टाइम टेकन सो एज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी तो क्या मैं टी को ए के पास भेज सकता हूं यस और नो यस तो मैं क्या करूंगा मैं सिंपली ए टी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा V माइनस यू हाँ. ठीक है तो माइनस यू को अगर मैंने वहां शिफ्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा एटी प्लस एटी प्लस बेटा माइनस यू यहां शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा एटी प्लस यू इज इक्वल टू वी कोई डाउट यहां तक इसका मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इ क्लियर क्या हो गया ये डिराइव पहली इक्वेशन हमने डिराइव कर ली है लिखने के लिए दो मिनट दे रहा हूं लिख लो ठीक है तो यहां पर हमने फर्स्ट इक्वेशन खत्म किया सेकेंड इक्वेशन क्या है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वट इज एस ओवर हियर डिस्प्लेसमेंट एस किसके लिए है डिस्प्लेसमेंट के लिए यू किसके लिए था इनिशियल वेलोसिटी टी किसके लिए टाइम के लिए ए किसके लिए एक्सेलरेशन के लिए ठीक है सो so, <laughs> अब इसको डिराइव करना है डिनाइव करने से पहले मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वॉट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? ग्रेट मैं दोनों फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ एवरेज वेलोसिटी का पहला फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन और दूसरा फार्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का v प्लस यू अपॉन टू कोई डाउट यहाँ पर ये दो है उसके फार्मूला से ओके okay? तो हम यही दो फार्मूला से प्रूव करेंगे देखो v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी और दूसरा v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन कोई डाउट यहां तक मैं ऐसा लिख सकता हूं अब यहां पर मैं एक को इक्वेशन वन बना दूंगा दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू कोई डाउट यहां तक इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से मुझे क्या मिलेगा कि एस टी इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एस अपॉन्टी वल टू यू प्लस वी अपॉन टू कोई डाउट यहां तक अब देखना क्या है देखो आपको क्या करना है? हाफ दिस इज लाइक वॉट वी नीड टू प्रूव यहां पर क्या है एस अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इसमें ऐसा कौन सा लेटर है ध्यान से सुनना इसमें on ऐसा कौन सा लेटर है या कौन सा वेरिएबल है जो वहां नहीं है यहां पर कौन सा लेटर है जो वहां नहीं है देखो यहां पर एस ऐसे, है ऐसे चेक करना है यहां पर एस है क्या वहां पर एस है उधर क्या है वो नहीं देखने का आर यू गेटिंग में यहां पर टी है क्या ऊपर टी है हा है यहां पर यू है क्या ऊपर यू है हा है यहां पर V है क्या ऊपर V है ऊपर कहीं V दिख रहा है तुम्हें नहीं दिख रहा है टू तो है ही ठीक है अभी इसका देखने का नहीं क्योंकि वो वेरिएबल ही नहीं है तो हमारा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा इसी स्टेप से कि हमें V को इस परिवार से निकाल देना है क्योंकि V हमारे टू प्रू में नहीं है आर यू गेटिंग मी V ये जो वेरिएबल है वो यहां कहीं पर भी दिखाई दे रहा नहीं है मतलब कुछ भी करके किसको निकालना है इसको निकालना है अब v का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है u प्लस एटी तो हम उसको निकालेंगे कैसे v की जगह का क्या लिख देंगे हम लोग v की जगह क्या लिख देंगे u प्लस ए टी कोई डाउट यहां पर so सीधा क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू यू प्लस वी की जगह पे v की जगह पे एटी डिवाइडेड बाई टू ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे बिकॉज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को डाउट यहां तक नेक्स्ट टू एस लिख सकता हूं मैं ऊपर भेज सकता हूं टू को ये क्या हो जाएगा टू एस इज इक्वल टू टी टी नीचे रखते है मेरा ऊपर क्या हो जाएगा यू प्लस यू प्लस ब्रेकेट बाहर निकाल दिया टू हियर नाउ बताओ क्या होगा यहाँ पे हाँ वो बोल सकते पहले इसको सॉल्व कर दे है ना, ना एक समय पे एक बात अपॉन t इक्वल टू वन यू प्लस वन यू टू यू प्लस डाउट यहां पर अब 2s एस अपॉन टी अब t को ऊपर भेज देते हैं ना 2s एस इज इक्वल टू टी इन टू टू यू प्लस ए टी आउट यहां तक क्लियर अप टू हि ओके एस इज इक्वल टू टू यू टी प्लस ए टी स्क्वेर कोड आउट यहां तक नेक्स्ट स्टेप में क्या चला जाएगा एस इज इक्वल टू टू यू टी प्लस के दो बेटे समझ लो बराबर नीचे तो टू है मतलब अगर टू इसको मिलेगा तो टू किसको मिलेगा उसको भी मिलेगा बिकॉज वॉट इज दिस दिस इज एल सी एम है ना तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एस इज इक्वल टू टू यू टी अपन टू प्लस एटी स्क्वेयर अपॉन टू 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 क्या हो जाएगा बेटा कट हो जाएगा यहां पर कट हो जाएगा ना तो क्या बचा हमारे पास क्या मिला यहां से बताओ S इज इक्वल टू यू टी प्लस ये देखो मैं इसको वन लिख सकता हूं यहां पे. ये ए स्क्वायर अपॉन टू है मैं इधर वन लिख दू तो चलेगा ना क्योंकि एटी स्क्वायर इंटू वन क्या हो 80 होता है एटी स्क्वायर होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्या हो गया ये डिराइव क्लियर अप टू हियर लिख लो चलो फटाफट इसको

देखो इसका ग्राफ बनाना है हाँ। ठीक है ग्राफ ऐसे तो यूनिफॉर्म नहीं है ना नॉन यूनिफॉर्म है हां तो।, तो भी उसका ग्राफ तो बनेगा ना ग्राफ तो बना ही सकते हैं ना हम हाँ। यूनिफॉर्म हो कि नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बनाने के बाद एरिया अंडर द ग्राफ इज आवर डिस्टेंस ट्रैवल्ड जैसे कि ये मान लो कि एक ग्राफ बना इनका ठीक है तो एरिया अंडर द ग्राफ मतलब कि ये जो एरिया है ये जो एरिया है वो उसका डिस्टेंस ट्रैवल है सब में जैसे कि ये एरिया अंडर द ग्राफ है ठीक है तो हमने क्या किया था कि जैसे कि आ, इसके अंदर ए बी ओ डी और ये सब है ये ट्रैपेजियम बन रहा है ठीक है तो इसका एरिया अगर हमने ढूंढ लिया ये तो हमें क्या मिल जाएगा उसका डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाएगा ठीक है सो मेक अ ग्राफ एंड देन ट्राई टू सॉल्व मैं ये खत्म करके फिर ऐसा हो तो मैं करवाता बस इसके बाद एक डेरिवेशन बाकी है बाकी हैस भी <coughs> पक्का ठीक है फाइनल डेरिवेशन इज जैसा हमने इधर स्टार्ट किया था दोनों का स्टार्ट कैसा है सेम है दोनों का स्टार्ट कैसा है सेम तो यहां पर भी हम वही चीज करेंगे हम क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखते वक्त अरे सॉल्यूशन कहाँ लिख रहे हैं डेरिवेशन लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या लिखना है एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूला चलो जोर से बताओ क्या होगा वेरी गुड और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा बहुत बढ़िया <coughs> तो ये एस टी और यू प्लस वी अपॉन टू इसको वापस हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू बनाएंगे वापस हम एक निकालेंगे कि भाई एस अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू कोई डाउट यहां तक क्लियर अब क्या करना है सेम चीज जो लास्ट वाली स्लाइड में की हमने कि भाई कौन सा ऐसा लेटर है यहां पर मौजूद जो वहां पर नहीं है टी इस पर बहुत ही तेजी से रिप्लाई किया दो नजब सो वी नीड टू रिमूव टी क्योंकि एस वहां पर है यू वहां पर है वी वहां पर है कौन नहीं है सिर्फ टी नहीं है और टी को निकालेंगे कैसे v इज इक्वल क्या होता है बेटा u प्लस ए होता है और एक फार्मूला बताया अपने को इससे अच्छा ये वाला यूज़ कर देते हैं a इज इक्वल क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है ये इधर से ही हमने v इज इक्वल टू प्लस ए निकाला था तो इसमें मुझे t निकालना हो तो क्या निकल जाएगा t इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा t a की जगह पर चला जाएगा और a t की जगह पर आ जाएगा राइट एग्जैक्टली So, वो बन जाएगा v माइनस यू अपॉन ए कोई डाउट यहाँ तक सो so, मुझे यहाँ t को रिप्लेस करना है अब अगर मैं ये जो v माइनस यू अपॉन ए लिखा है अगर मैं उसको यहाँ रिप्लेस कर दूंगा नीचे तो थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा उससे अच्छा हम क्या करते हैं टी को पहले कहाँ भेज देते हैं न्यूमरेटर में कहाँ भेज देते हैं न्यूमरेटर में तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा एस इज इक्वल टू टी इंटू ब्रैकेट में यू प्लस u अपॉन टू कोई डाउट यहां पर तो s इज इक्वल टू टी की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग v माइनस यू अपॉन ए और ये u प्लस वी अपॉन टू है क्या मैं इसको v प्लस यू भी लिख सकता हूँ कोई इतराज नहीं है ना उसमें थ्री प्लस फोर लिखो या फोर प्लस थ्री लिखो सो so v प्लस यू अपॉन टू यहां पर हम रीजन क्या बताएंगे बिकॉज t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन जबकि यहां पर रीजन क्या होगा फ्रॉम वन एंड टू कोई डाउट यहां पर क्लियर अप टू हियर कोई डाउट यहां पर ठीक v माइनस यू प्लस यू कुछ याद आ रहा है मैथ्स नाइन्थ का क्या है ये ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आंसर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू है अरे अरे असलियत बाहर आ गई बोलो क्या बनेगा इधर से मैं टू ए को ऊपर भेज दूंगा क्या यही तो प्रूव करना था है ना यही प्रूव करना था ना अपने को बेफोर क्या हो जाएगा टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डन तो ये हमने तीनों के तीनों मोशन के जो से वो डिराइव कर लिए बराबर ना? नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे थैंक यू